हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल इट्स मीडो थ्री वन थ्री सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई कौन है जो आप लोगों में इंटरेस्टेड हो रहा है एंड क्यों इट कुड बी एनीवन मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ठीक है एनर्जीज कलेक्टिव एक्टिव है जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा बाकी को जाने दीजिएगा जो लोग चैनल पे न्यू हैं डोंट फॉरगेट टू तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स मैंशन है प्लीज़ चेक इट आउट एंड आप इंस्टा पे कॉन्टैक्ट करके भी बुक भी करवा सकते हैं अपना रीडिंग्स को कोई कंसल्टेशन को एंड डिटेल्स भी आप ले सकते हैं ठीक है सो लेट स्टार्ट द रीडिंग्स फोकस्ड स्टे पॉजिटिव वीडियो को लाइक जरूर करिए ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आप से कॉनेक्ट हो पाएं सो लेट सी देखते हैं हु इज इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई लेट सी हु इज इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई कोलेक्टिव एनर्जीज फर्स्ट वी हैव जैमिना लिब्रा एक्वेरियस ओके इट्स अ क्वीन ऑफ सोर्ड एनर्जी ऑफ वर्ड नो इट्स एनर्जी सॉरी एंड क्वीन में कंफ्यूजन हो जाती है इट्स किंग ऑफ सोड एनर्जी ओके आजकल किंग ऑफ वर्ड रीडिंग में बहुत ज्यादा आ रहे हैं We have number six. It's a lower energy, Gemini. Then we have it's a King of Wands energy. Hmm. Aries, Leo, Sagittarius. There is a lot of kings in your reading. And we have Ten of Pentacles, Taurus will go Capricorn.

Who is interested in you? And we have the fool. Bottom of the deck energy here we have. It's a queen of cups energy. Hmm. Magician. So guys, कौन है आप लोगों में interested? कुछ लोगों की तरफ से ये जो person है, ये बहुत ज़्यादा egoistic है. कुछ लोगों की तरफ से नहीं बल्कि ओरऑल एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है ये यह पर्सन यहाँ तो एनालिस्ट हो सकता है किसी तरह से दिस पर्सन कुड बी अ राइटर जर्नलिस्ट कुछ लोग पॉलिटिकल फील्ड से हो सकते हैं कुछ लोग लॉ फील्ड से हो सकते हैं कुछ लोग बिजनेस फील्ड से हो सकते हैं स्पेशली मुझे एनर्जी दिख रही है ये पर्सन कोई ना कोई बहुत ज़्यादा एनाल ल सिचुएशन कुछ दिख रही है कुछ फील्ड से हो सकता है जैसे कुछ लिखने रिटर्न वाले या तो प्रिंट मीडिया में हो सकता है कुछ लोगों की साइड से ये पर्सन बट ये जो भी पर्सन है विद फूल एंड विद थ्री ओ इनका डिस्टेंस है एक दूसरे के दरमियान इट्स अ फिजिकल डिस्टेंस या तो ये पर्सन अब्रॉड होता है या फिर ये पर्सन कोई फॉरनर है या फिर ये पर्सन कोई ट्रैवलर है बट ये जो भी पर्सन आप में इंटरेस्टेड है डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं अभी तक हो सकता है कुछ लोग मुझे एनर्जीज जो दिख रही है ना आई थिंक आप मिले नहीं हो इस पर्सन से क्योंकि डिस्टेंस है चाहे आपका इनके साथ कोई कनेक्शन रहा हो चाहे आपका कोई लव सीन रहा हो बट हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू रहा हो लेकिन मुझे फिजिकली आप लोगों की मीटिंग नहीं दिख रही कि कोई मिले वो आप इनसे यस yes. फिजिकली एक होता ना इंसान मिलना फेस टू तो फेस मिलना या डेट करना मुझे वो एनर्जी नहीं दिख रही है जो पर्सन आप में इंटरेस्टेड है बट ये मिलना चाहते हैं आप लोगों से ये जो पर्सन आप में इंटरेस्टेड है बिकॉज विद द एट ऑफ स्वॉर्ड राइट नाउ यू गाइज आर टोटली ब्लाइंड या तो आपको कोई आइडिया नहीं है जो आप लोगों में कौन सा पर्सन इंटरेस्टेड है कौन नहीं है कुछ लोगों की तरफ दो लोग इंटरेस्टेड हैं एक का एयर साइन हो सकता है एक फायर साइन हो सकता है, है जो आप लोगों में इंटरेस्टेड है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक पेरियस एनर्जी ऑल्सो बट एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे लेकिन ये दो लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं एक हो सकता है कुछ लोगों में से आपको एक इंसान का पता होगा दूसरे का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है बट दो तो लोग हैं बिकॉज वी हैव लवर्स लवर भी चॉइसेस की बात करें देर इज आ टू किंग्स इन योर रीडिंग यहाँ पर रिटर्न की एनर्जी आप देखो ये भी पर्सन लिख रहे हैं एंड दिस वन इज पर्सन इज ऑल्सो कुछ ना कुछ लिखा जा रहा है यहाँ पे पेपर पे इट मीन्स ये जो भी पर्सन है ये जो आप में इंटरेस्टेड है ये कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बोलना चाहते हैं या हो सकता है कुछ लिख के कोई ईमेल के थ्रू कोई पोस्ट करके आपको बोली जा सकती है ये बात लेकिन कुछ ना कुछ बाई इम्पोर्टेंट तो यहाँ पे है जो क्लियर दिख रहा है जो ये पर्सन शायद बोल नहीं सकता लेकिन वो लिख के या तो टाइप करके या फिर कुछ लिख कर इम्पोर्टेंट आपको बता सकते हैं क्योंकि ये कहना चाहते हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात हो सकती है आई वॉन्ट टू सी मैं देखूँगी ज़रूर ये मैं देखना चाहती भी हूँ कि क्या है इम्पोर्टेंट बात जो ये आपको कहना चाहते हैं बट है बिकॉज अभी मीटिंग नहीं हुई आपकी इनसे ये जो भी है इस पर्सन से मीटिंग नहीं हुई और ये मीटिंग करने के लिए आपके साथ आना चाहते हैं हो सकता है ये बहुत सारे आपके लिए प्रेजेंट गिफ्ट वगैरह भी लेकर आ सकते हैं बिकॉज दे रेली वना डेट यू डेरे वना स्पेंड सम गुड क्वालिटी टाइम वी दियू या आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं दरेली वना टच योर हैंड्स एंड होल्ड योर हैंड्स और आपको कुछ आई टू आई कॉन्टैक्ट करके आपको इंपॉर्टेंट बात कहना चाहते हैं मे बी ये पर्सन आपको आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इंटरेस्टेड है ये पर्सन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रही है एंड uh, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही आपको नहीं पता गाइज ये कौन है बिकॉज वी हैव एट ऑफ फोर्ड एनर्जी आपको नहीं पता एंड ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से आपकी तरफ आए क्योंकि डिस्टेंस uh -huh. बहुत ज़्यादा है आपके दरमियान ये प्लानिंग करते हैं आपको रीच आउट करने की बट इनको है कि कहीं ये जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना चाहते आपकी तरफ अगर जल्दबाजी नहीं भी है तो फिर भी इनको ना समझ नहीं आ रही कि ये भी एक्शन कुछ ले ऐसे, ले कैसे जबकि ये बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे इंपल्सिव हो रहा है ये पर्सन जितना जल्दी हो सके आपकी तरफ एक्शन लेना पड़ लेना चाहते हैं लेकिन राइट नाउ ऐसा लग रहा है कोई ना कोई इनके सराउंडिंग पे कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये किसी तरह से आपकी तरफ कोई एक्शन ले नहीं पा रहे समथिंग इज़ कंट्रोलिंग दिस पर्सन अब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे जो इनको कंट्रोल कर रहा है आपकी तरफ कुछ भी एक्शन लेने से लेकिन ये इंटरेस्टेड है पर्सन आप लोगों में विद द एन ऑफ पेंटिकल्स दे नेक आ फैमिली विद यू या आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं आपको बहुत सारे प्रेजेंट देना चाहते हैं आपको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं यस yes? और इनको आपको प्रेजेंट दे के आपको कोई एक्सपेंसिव एक प्रेजेंट या काफ़ी सारे प्रेजेंट दे के इनको काफ़ी खुशी महसूस होगी लेकिन यहाँ पर ट्रैवल मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉग एनर्जी दिख रही है ट्रैवल इन्वॉल्व है यहाँ पे देख लेते हैं ये आपको कहना क्या चाहते हैं क्या इम्पोर्टेंट है जो ये कहना चाह रहे हैं आप बट आप में से कुछ लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये पर्सन कौन है दोनों लोगों का कोई आइडिया नहीं ये दो लोग हैं ना आपको बिल्कुल भी नहीं पता लेकिन ये दोनों लोग जो भी हैं टू पर्सन वो दोनों आपको डेट करना चाहते हैं सेवन ऑफ स्वॉट आई थिंक <laughs> ये जो भी लोग हैं ना ये आपको उनको लगता है आपको ना रिटर्न वे में, में कुछ बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा बिकॉज हो सकता है उनको लगता है अगर वो वोकल होंगे वर्बली आपको कुछ बोलेंगे तो मे बी आप ओके okay, और इनके दरमियान कुछ फसाद बन सकता है या फिर आप इनको किसी तरह से लाइक like, मिसअंडरस्टैंड uh, कर सकते हो या फिर किसी तरह से आप इनको हर्ट कर सकते हो आपका क्लैश बन सकता है आपकी ईगो आ सकती है बीच में जिसकी वजह से चीज़ें स्टार्ट होने तो दूर की बात है बनी बनाई गेम भी नहीं चलनी बल्कि वहीं भी आप लोग शायद इस पर्सन को कुछ बोल सकते हो ऐसा जहाँ पे कुछ चीज़ें आगे मूव ही नहीं करेंगी बिकॉज वी हैव सेवन ऑफ वोट आप हो सकता है भाग जाओ या फिर आपको लगेगा ये पर्सन झूठ है या आपको चीट कर रहा है या फिर किसी तरह से आपसे झूठ बोल के आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं दैट्स वाई वो कोई रिटर्न फॉर्म में कुछ बोलना चाहते हैं आपको वोकल नहीं होना चाह रहे जबकि उनका दिल है कि वो जल्दी से जितना जल्दी हो सके आपकी तरफ कोई ना कोई मूवमेंट लें कोई एक्शन लें बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी डेयरिंग लेकिन उनको लगता है आपकी तरफ एक्शन लेना या आपको कुछ वन ऑन वन बोलना आके शायद अगर आपका बिहेवियर कुछ आगे से ऐसा हो जाएगा रूट uh, तो ये पर्सन भी रूड हो सकते हैं और वो किसी भी तरह से कोई बदतमीजी नहीं करना चाहते आपसे एट ऑफ सोड एनर्जी क्लैरिफाई करें इस पर्सन का स्टार साइन जैमिना लिब्राक्स इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग नंबर सेवन नंबर फाइव भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे एट ऑफ को क्लैरिफाई करें वॉट इज दट ऑफ सोड एनर्जी ट्वेंटी वन डिस्टेंस है गाइस डिस्टेंस की वजह से है ये प्रॉब्लम जो कि इस पर्सन को ज़रा रोक रही है आपकी तरफ आने के लिए दैट्स वाइव आपको रिटर्न फॉर्म में भी उनको लगता है कहना पड़ेगा यस फाइव ऑफ कप्स डेफिनेटली इनको लगता है कि इनको रिटर्न फॉर्म में आपको कहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस है जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंट खुद हो रहे हैं डिस्टेंस की वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी है काफ़ी ज़्यादा सैड है उनको लग रहा है कि इस टाइम शायद उनकी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही उनको कि आप ट्रैवल करके वो आपकी तरफ आ सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस कुछ ऐसा है कि अभी उनसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा या फिर किसी तरह से कुछ चीज़ें उनके अकॉर्डिंगली हो नहीं रही या सिचुएशन अभी उनकी फेवर में नहीं है दैट्स वाई वो कोई एक्शन नहीं ले सकते वो पहले रिटर्न फॉर्म में आपसे बात करना चाहते हैं और फिर देखना चाहते हैं कि क्या सिचुएशन है क्योंकि ये इंटरेस्टेड तो है यहाँ पर दो लोग हैं इंटरेस्टेड अच्छा मुझे कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी आ रही है कुछ लोगों की तरफ से अगर ये पर्सन एयर साइन है तो ये पर्सन वो हो सकता है आप में इंटरेस्टेड जिस इंसान के साथ ऑलरेडी आपका कोई क्लैश है कोई झगड़ा हुआ है आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं ठीक है विद अ सेवन ऑफ स्वॉर्ड एंड विद अ फाइव ऑफ स्वॉर्ड हो सकता है इस इंसान ने आपको चीट किया है आपको आपसे भगोड़ा भागे हैं चाहे ये मेल है या फीमेल है भगोड़ापन किया इस पर्सन ने इनको पता है और वो सोच रहे हैं कि वो आपको रिटर्न फॉर्म में कुछ बात जो भी बोलनी है अपने इमोशंस या आपको डेट करने के बारे में आपके साथ रिलेशनशिप बनाने के बारे में या आपकी तरफ उनको कितनी अट्रैक्शन हो रही है कितना लव हो रहा है या वो म्यूचुअल आपके साथ आगे कनेक्शन बनाना चाहते हैं वो आपको रिटर्न फॉर्म में कुछ बोल दें क्योंकि उनको लगता है कि अगर एक्शन लिया जाए फेस टू फेस बात की जाए एक तो आप एग्री नहीं करोगे मिलने में एंड सेकेंडली आपके और इनके क्लैश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे हाथ से ज़्यादा बढ़ जाएंगे दैट्स वाई वो नहीं आपको फेस नहीं कर पा रहे क्योंकि वो डिसअपॉइंटेड है आपके साथ गलत करके दैट्स वाई ठीक है तो कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन या तो आप दोनों को जानते ही नहीं हो एंड कुछ लोगों की तरफ से चॉइसेस हैं ठीक है दो लोगों की अदरवाइज़ एक इंसान आपके पास से है और एक न्यू पर्सन है न्यू का आपको कोई आइडिया नहीं है उसके दरमियान और आपके दरमियान भी डिस्टेंस है ठीक है लेकिन ये जो ओल्ड है उसके दरमियान और आपके दरमियान भी डिस्टेंस है ब्लॉक सिचुएशन का हो सकता है धोखेबाजी का हो सकता है जिसकी वजह से उस इंसान के अंदर अभी वो आपको फेस नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पता है कि आपके ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आपको हर्ट किया है उन्होंने आपको हो सकता है डराया धमकाया भी हो ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है लेकिन वो स्टिल इंटरेस्टेड है दिस पर्सन इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड विद फाइव ऑफ कप्स काफ़ी अनहैप्पी है उनको गिल्टी फील हो रहा है जो उन्होंने आपके साथ किया क्योंकि उनको लगता है कि कंप्लीशन आप अब आपके साथ होनी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है दैट्स वाई हो सकता है फैमिली के कहने पे उन्होंने आपको छोड़ दिया था कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये अनर्जी भी दिख रही है बट रियली रिली माना डेट यू म्यूचुअल कनेक्शन बनाना चाहते हैं वो आपके साथ थर्टी प्लस ट्वेंटी प्लस एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है या सो दिस इज योर रीडिंग आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में टिल देन टेक केयर बाय